फैमिली, तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। और आप अच्छे होंगे। सूखी मिर्ची कल लेके आई थी, तो सूखी मिर्ची बहुत ज़्यादा महंगी हुई है, बहुत ज़्यादा क्या 500 रुपये को केजी हुई है सूखी मिर्ची। हालांकि 3-4 महीने के पीछे बहुत सस्ती थी, पता नहीं अभी बारिश के सीज़न की वजह से होगी, बहुत महंगी हुई है, 500 रुपये को केजी मिल रही है। तो वो भी इतनी ही खाली हुई थी, इतनी ही मिली है मुझे। कल जाके लेके आई, मेरा पूरा मसाला ख़त्म हो गया है। हम ज़्यादातर लाल मिर्ची पाउडर ही खाते हैं, दुकान का खाने को हमको जमता भी नहीं है, तो ये थोड़ा फीकी वाली मिर्ची है ना, अच्छा लगता है। मैं ये ब्लॉग शूट कर रही थी, मेरा मोबाइल में तो हैंग हो रहा है, क्यों पता नहीं क्यों मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है। तो वही मिर्ची के बारे में बोल रही थी, अभी धो के सुखाएंगे और 1 kg डालना है उसमें, 2 kg करके धो के सुखाएंगे, उसके बाद में पिसाएंगे तो मिर्ची पाउडर बन जाएगी। तो वही बोल रही थी, लेकिन मेरा मोबाइल है ना हैंग हो रहा है, बार 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 हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। आएंगे पापा नया लेके देते, बोल रहे हैं देखेंगे कभी। तो मुझे हुई है सर्दी, इसलिए मौसम यहाँ का बहुत बुरा है, बहुत या बहुत बुरा है। वैसे भी मुझे बरस के 12 महीने सर्दी होती ही रहती है, कितनी भी दवा खा लूँ, कितना भी मैं कर पाएँ, कर ली सब कुछ कर ली हूँ, तो भी मुझे कम नहीं हो रहा है सर्दी। और कुछ नहीं है, बका रही है मुझे, कुछ नहीं है, फिर भी मुझे सर्दी रहती है, बरस के 12 महीने में नाम से पानी रहता है, तो ऐसा है। तो मैं अभी कड़क चाय बना के लाई हूँ, अदरक वाली चाय बनाए पी के मूड मेरा थोड़ा सा फ्रेश होएगा, उसके बाद में जाके मैं ब्लॉग बनाऊँगी। तो फिर मैं लंच बनाना है मुझे, फिश की करी बनाना है, आज ग्रीन मसाला बनाएंगे, फिश का हरे मिर्ची का सला बनाएंगे, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है ठंडी के टाइम है ना। अगर ठंडी हुई है तो थोड़ा खट्टा तीखा बना के फिश का सालन बनाए तो बहुत मस्त लगता है खाने के लिए। वैसे भी मैं आज ब्लॉग बनाने के मूड में नहीं थी, फिर भी चाय को गरम गरम पीना ही अच्छा है, तो यहाँ पे थोड़ा राहत मिलती है चाय के साथ, है ना। मुझे आपके पास कोई दवा होगी तो बोलो प्लीज, सर्दी कम होने के लिए। मैं बहुत सारे टैबलेट खा ली हूँ, बहुत डॉक्टर को दिखा ली हूँ, फिर भी मुझे ठंडी कम नहीं हो रही, इसीलिए वो होगी तो मुझे बताना, मैं जरूर ट्राई करूँगी। और यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है, उसकी वजह से ज्यादा होगा, वातावरण चेंज हुआ है ना इसकी वजह से। तो अभी बात करते करते चाय भी खत्म हो रही है मेरी, चाय ठंडी थी। यहाँ पे मसाला निकाल रही थी फिश का, फिश करी बनाने के लिए। तो मैंने लिया है प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, आज हरी मिर्ची का बनाएंगे। और ये देख लीजिए इतनी सारी इमली है यहाँ पे, क्योंकि आज मुझे फ्रिज भी क्लीन करना है, वो कभी रखी हूँ पता ही नहीं है मुझे, मुझे चटनी करके खाना था उसकी। हम थे ना तभी वहाँ पे, इसकी चटनी बनाते हैं कच्ची इमली की, वो बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनती है। मैं बनाना बनाना बोल के है ना ऐसे ही रख दी हूँ फ्रिज में, मुझे याद ही नहीं है कि इमली रखी हूँ मैं। तो आज मुझे फ्रिज अभी क्लीन करना है, तो फ्रिज की हालत देख लीजिए कितना गंदा हुआ है। तो फ्रिज में क्लीन करना ऐसे सोच रही थी अभी, तो ये भी दिखे हैं, ओ इतने सारे पूरे खराब हो गए हैं यहाँ पे देख लीजिए, अभी ये कौन से काम के नहीं है, खराब हो गए, ऐसे भी फेंकना है। अभी मैं जाऊँगी ना, मतलब हम ईद करते हैं वहाँ पे 11वीं, तो जाना है हमें, तभी वहाँ से आते टाइम फिर से लेके आऊँगी और चटनी बना के आपको दिखाऊंगी कि इसकी चटनी कैसे बनती है, और टेस्टी रहती है, बहुत ज़बरदस्त रहती है। वही मुझे मन ही नहीं कर रहा, वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा, कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा आलसी हुई हूँ। नहीं तो मेरा फ्रिज कभी ऐसा नहीं गंदा रहता था, कभी गंदा नहीं रहती। मैं 8 दिन को एक बार फ्रिज क्लीन करती हूँ, हर एक चीज़ में उतना डस्टिंग करती हूँ, उतना क्लीन रखती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं है, कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा, ऐसा हो रहा है। और ऊपर से ये सर्दी भी कम नहीं हो रही है, और क्या बताऊँ, वीडियो बनाने का तक मन नहीं कर रहा है मेरा, पता है आपको, लेकिन बना रही हूँ ऐसे तैसे करके बना रही हूँ, तो देखेंगे क्या हो रहा पता नहीं है।
पहले मैं मेरे सर्दी का इलाज करूंगी, पहले सर्दी का इलाज करूंगी, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, सर भी उतना ही भारी है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो चलिए अभी मैं इसमें ले ली हूँ टमेटो, लहसुन, हरी मिर्ची। तो अभी फिश की करी बनाएंगे, सालन बनाएंगे हरी मिर्ची का, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए रेसिपी बताऊंगी और सालन कैसे बनता है वही भी दिखाऊंगी, और फिश कौन सी है वो भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छी फिश लेके आई है आई के पापा, और वो बहुत ज़बरदस्त भी रहती है, टेस्टी बहुत रहती है, उसका सालन भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए मेरे किचन में बनाएंगे सालन। तो अभी ये हो गया है वेस्ट, कर दे सकते का है इसको। तो बने रही है ऐसे मेरे ब्लॉग में। तो जी फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली फिश लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो ये वाली फिश बहुत मस्त रहती है। इसे है ना क्या बोलते हैं, हाँ मारूफ बोलते हैं हमारे साइड में, बाकी के गांव में क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ये मेरे अब्बा ज़्यादा पकड़ के लाते हैं, मतलब हमारे अब्बा को गलाने का शौक बहुत है मच्छी पकड़ने का, तो ये वाली फिश ज़्यादा लाते हैं, तो उनको भी पसंद है ये वाली फिश, बहुत अच्छी लगती है, मतलब चिकन के माफिक लगती है, फिश के जैसा नहीं है, घट रहता है इसका गोश्त और अच्छी रहती है ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है। तो आहिल के पापा को कोई फ्रेंड बोले ये ले जाओ मच्छी बहुत अच्छी रहती है, बोलने की वजह से ये लेके आए, तो मैं भी खुश हुई फिश देख के। तो ये 120 रुपए में 1 kg के ऊपर फिश आए थे, तो देख लीजिए ये है फिश। तो मैं इसे अच्छी तरीके से साफ कर लूँगी अभी, और यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरीके से साफ कर ली, हालांकि इसमें थोड़ा सा लेट लगता है साफ करने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घट रहती है ना, और उसमें छिलके बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसे घस घस के धोना पड़ता है। तो धो के हो गया, और मैं नमक भा के रखती हूँ, ज़्यादातर नमक डालने से है ना जो भी मच्छी का फीकापन रहता है वो घट जाता है और मच्छी में नमक लगता है, और साला बनाने के टाइम धो के बना लेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में ऐसे ही। अभी हम फिश का मसाला काटेंगे, तो मैं यहाँ पे मुंडी और दुम निकाल के रख ली हूँ सालन बनाने के लिए, जो भी बीच का हिस्सा है वो निकाल के रख दी हूँ फ्राई करने के लिए। तो जी यहाँ पे टमेटो और लहसुन और हरी मिर्ची को मैंने रख दिया है धोने के लिए, और यहाँ पे मिक्सी जार में मैं डाल दे रही हूँ जीरा और हल्दी पाउडर, नारियल और प्याज, और इमली इसमें ज़रूर लगती है, हमारे सल्ले में कर्नाटक में तो इमली लगती ही लगती है, तो इमली को मैं भिगो के रखी थी, तो इमली भी डाल दी हूँ, और साथ ही साथ हरी मिर्ची सब डाल के मैं रख दूँगी, पीस दूँगी। फ्रेंड फाइनली मसाला बनके तैयार हुआ है, तो देख लीजिए इस तरीके का कलर होता है, और यहाँ पे मैं तोप चढ़ा दी हूँ, तेल ऑप्शन है, आप दालों से डाल सकते हो नहीं तो इस तेल में प्याज भी कट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिश भी धो के रखती हूँ, मैं यहाँ पे फिश भी धो के रखी हूँ, तो अब इसी टाइम हम पानी डाल देंगे, हमारे साइड तो यही तरीका है सालन बनाने का, और मसाले को अच्छे तरीके से नहीं भूनते, सालन में ही अच्छे तरीके से पक जाएगा ना, तो उसकी कच्ची स्मेल चली जाएगी, हमारे कर्नाटक में तो ऐसे ही बनता है सालन, फिश का सालन तो खास करके ऐसे ही करते हैं। तो मुझे कितने क्वांटिटी में पानी चाहिए वो मैं देख के डाल दूंगी, और टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। तो मैं अभी चमचे की मदद से हिला के देखूंगी कि ये कितना थिक बना है और कितना पतला बना है, और थोड़ा पानी चाहिए तो मैं इसमें डाल के 2-3 उबाल आए तक रख दूंगी, उसके बाद मैं फिश डालूंगी, ऐसे ही बने रहना मेरे। क्योंकि फ्रेंड मेरे हिसाब को तो ना इतनी ग्रेवी रहना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी फिश भी पकेगी ना, तो और थोड़ा थिक हो जाएगा, तो इतनी ग्रेवी चाहिए चाहिए तो, और तो हरी मिर्ची ऊपर से काट के डाल सकते हो, लाल मिर्ची का सालन का बात ही कुछ और है, और ग्रीन सालन की बात ही कुछ और है, इसका मुझे टेस्ट बहुत पसंद है, क्योंकि हवा तो इतनी तेज चल रही है ना फ्रेंड, मेरा गैस ही बुझ के जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे मेरा सालन पक रहा है, और साथ ही साथ मैं गैस को भी क्लीन कर ली हूँ लगे हाथ, अभी हम है ना इस फिश को डाल देंगे, देख लीजिए फिश कितनी अच्छी है, तो लगे हाथ हम फिश को डाल देंगे, और इस वाली फिश को है ना थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घट रहती है, हम फ्राई ग्राई करके नहीं डालते ऐसे ही डाल देते हैं, ये फिश बहुत टेस्टी भी रहती है, और मेरे अब्बा भी पकड़ के लाते हैं ये वाली फिश।
तो पूरी फिश को डाल देंगे एक बार अच्छे तरीके से घुमा लेंगे और इसे पकने छोड़ देंगे ढक के फिर 5 मिनट तक। फाइनली सालन बनके तैयार हुआ है फ्रेंड, तो देख लीजिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना है ना, और जबरदस्त बना है खाने में भी। अभी मैं खा के नहीं देखी फिर भी मैं बोल रही हूँ आपको। तो जी यहाँ पे सालन मैं निकाल रही थी, तो देख लीजिए यहाँ ये फिश जो है ना फूटती नहीं है सालन में, आप जितना भी पकाओ वो फूटती नहीं, उतना ही टेस्टी होती जाती है ग्रेवी, हालांकि फूटती नहीं है फिश। और घर में तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, ग्रीन सालन की कुछ बात ही कुछ और है। आप भी एक बार जरूर ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी सालन की। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक जरूर करना, अगर मेरे चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ऐसे ही मुझे सपोर्ट देते रहना। प्लीज मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है और मेरे चैनल को ज्यादा ग्रो करने की भी जरूरत है मुझे अभी, क्योंकि 1 साल होने को आ रहा है इसीलिए। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अच्छा लगा तो अगर मेरा जो भी मैं बनाने की रेसिपी, अगर मेरे ब्लॉग में कुछ भी कमी हो या कुछ भी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं उसमें सुधारने की कोशिश करूंगी। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर रखूंगी, कल एक अच्छे से ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना और मुझे दुआ में जरूर याद रखना। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।